नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। में हुआ आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सर्वेंट शब्द को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल बीते दिन अखिलेश यादव की तरफ से ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम बताया गया था, जिसके बाद अब ब्रजेश पाठक ने अपना नाम ही बदल लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बायो बदल लिया है। खुद को सर्वेंट बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा दिया है। इससे पहले ब्रजेश पाठक के बायो में डिप्टी सीएम लिखा। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक ने अपना नाम सर्वेंट ब्रजेश पाठक कर दिया। गौरतलब है कि JPNIC विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला था। अखिलेश यादव ने यहाँ पर दीवार बांध कर अंदर घुस गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। इस मामले में ब्रजेश पाठक पर बयान सामने आया था। ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा था, पहले आपको बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को LDA ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते, हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं, तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इसी बयान को लेकर निशाना साधा था और उसके बाद सियासत गर्म हो गई। दरअसल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सर्वेंट बता दिया था। अखिलेश ने कहा था, हम सर्वेंट के सवालों का जवाब नहीं देते। इसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार में संविधान पर हो रहे हमलों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन संविधान खत्म हुआ, हम सबकी आजादी छिन जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के लोग इसी रास्ते पर समाज और लोगों को भेज रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। क्या कुछ कहा था, एक बार आप बयान सुनिए। अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, ये ही JPNIC, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? जिस तरह से लगातार जैसे ये सामने चीजें आई उसके बाद तमाम तरह के विरोध शुरू हो गए। आप अगर ये बताते लोहिया पार्क में ना आने देते आज, तो हम और आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए, हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर FIR हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, FIR आप पर भी होगी। लेकिन LDA ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे, क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है, सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया, आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चलिए कैसी अस्पताल में, अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। तो वही अब अखिलेश यादव के तंज पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने सर्वेंट डिप्टी सीएम बुलाने पर अखिलेश यादव का आभार प्रकट किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी
राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वही अखिलेश यादव से इस विवाद के बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। ट्विटर पर बायो बदलकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने विवाद का पटाक्षेप करने की कोशिश की। वहीं उनके इस कदम को सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल कुछ साल पहले पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा था, जिसके बाद तमाम नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लिया था। और अब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कुछ ऐसा ही कदम उठाते हुए अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। तब तक के लिए बने रही 4 PM के साथ, धन्यवाद।